ये हरियाणा में पड़ता है और दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ पे लोग टूर पे आते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर जैसे बाइक है तो आराम से इसलिए थोड़ा बहुत निकल जाएगी, लेकिन जो स्कूटी है वो नहीं निकल सकती, ना कार तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकती। बता देती हैं, मेट्रो कोई भी नहीं आती। अगर आप कार से आ रहे हो तो कार तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, बिकॉज ये बहुत ही पतला रास्ता है। स्कूटी से भी नहीं आ सकते इतना, क्योंकि बहुत फिसल रहा है कीचड़ में, अगर बारिश के टाइम आप आ रहे हो। और बाइक जो है वो आराम से इसलिए निकल जाती है। फाइनली हम अंदर पहुँच चुके हैं, तो आप देखोगे व्यू, नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन है। और चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयरिंग करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप। तो आइए मैं आपको और आगे से दिखाती हूँ, थोड़ा क्लोज से दिखाती हूँ इसको। और बारिश में मैं बना रही हूँ, और बारिश में ओए होए देख रहूँगी, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ एक्चुअली, और मैं पानी के अंदर होते हुए जा रही हूँ। ये जो मतलब मज़ा आ रहा है इतना ज़्यादा, और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, यहाँ बारिश हो रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैं इतनी इंजॉय कर रही हूँ ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। तो और बता देती हूँ, ये ना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप आते हो तो फैमिली वगैरह के साथ आओ। हो चुके हैं तो आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे। पहले जब मैं आई तो धूप हो रही थी, और लेकिन जब मैं यहाँ एंटर किया तो बारिश अचानक से शुरू हो गई। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में, बट मैं बहुत गीली हो गई हूँ। पहले बता देती हूँ, मेट्रो कोई भी नहीं आती। अगर आप कार से आ रहे हो तो कार तो बिल्कुल नहीं आने वाली है, बिकॉज ये बहुत ही पतला रास्ता है। स्कूटी से भी नहीं आ सकते इतना, क्योंकि बहुत फिसल रहा है कीचड़ में, अगर बारिश के टाइम आप आ रहे हो। और बाइक जो है वो आराम से इसलिए निकल जाती है। यहाँ पर आप सामने देखोगे लोग नहा भी रहे हैं इसके अंदर, मुझे तो मज़े आ रहे बारिश में नहा रहे। अगर यहाँ पे आप आते हो फोटो शूट कर सकते हो, फोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छा है, एडवेंचर करना है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ आ सकते हो।